सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायावती को आपत्ति। SC ST आरक्षण पर राज्य सरकार करेगी राजनीति। इस फैसले से सामान्य वर्ग को होगा फायदा। चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं, वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में भी कोटा देने का फैसला किया है, जिसके बाद अब दलितों की सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली बहन जी मायावती का भी रिएक्शन आ गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। मायावती का कहना है कि इस फैसले से और ये जो आरक्षण में कोटा देने की बात कही गई है उसको लेकर राज्य सरकार को जो कहा गया है, इसमें राज्य सरकार राजनीति करेगी, इसमें SC ST का भला नहीं होगा, सिर्फ राजनीतिक भलाई नेता करेंगे। वहीं इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो सामान्य वर्ग को होगा। कहा गया था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में ये भी कहा था, चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं, वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं, तथा यह एक बराबर का वर्ग है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में ये भी कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर किसी भी प्रकार का उपवर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। आपको बता दें कि 1 अगस्त को SC ST में जाति आधारित रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। संवैधानिक बेंच ने कहा था कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो SC ST में जाति आधारित रिजर्वेशन दे। 7 जजों की ये बेंच थी, जिसमें AV चेनिया मामले में दिए गए फैसले को खारिज करते हुए राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया कि वो SC ST में आरक्षण में रिजर्वेशन दे सकता है। दरअसल 2004 के उस फैसले में, जिसमें चेनिया ने कहा था कि राज्य को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कोटा के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए कहा कि अब अधिकार है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने अब ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इस बेंच में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। चलिए आपको बता दें कि आखिर SC ST रिजर्वेशन में सब कैटेगरी का मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि SC ST में आधारित शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति में एक समान नहीं है, ऐसे में उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सब रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। दरअसल देखिए, जिस तरीके से SC ST में कुछ लोग हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का उपयोग किया, उसका यूज किया, और उसके बाद वो IAS IPS बने, उसके बाद जो उनके परिवार की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें किसी भी आर्थिक या शिक्षा को लेकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ऐसे में यही लोग अगर बार बार रिजर्वेशन का प्रयोग करते रहेंगे तो बाकी जो तबका जो पीछे रह गया है वो मुख्य धारा में कैसे आएगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि मायावती भी अब इस फैसले से सहमत नहीं है, उनका मानना है कि इससे सिर्फ सामान्य वर्ग को फायदा होगा, वहीं राजनीतिक पार्टियां और राज्य सरकारें इस पर राजनीति करती रहेंगी।